नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक कुमार शुक्ला, कैंसर रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 फरवरी पूरे दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन के जरिए हम एक अलग अलग लेवल पे, चाहे वो बहुत छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, हम ये जानकारी देना चाहते हैं दुनिया में कि कैंसर जो बीमारी है उससे लड़के जीता जा सकता है, इसकी जल्दी डायग्नोसिस भी की जा सकती है। और ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको कोई लक्षण ना हो फिर भी आप अगर वो टेस्ट कराएं तो उसमें कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि कैंसर हमें ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हेल्दी दिनचर्या को हमें अपनाना चाहिए। जैसे जो आम हम जानते हैं कि 30 मिनट से करीब हम डेली, अगर हफ्ते में 5 दिन भी घूमेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अगर, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। कैंसर ही नहीं कई और बीमारियों से हमें बचने में मदद करेगा। इसके अलावा धूम्रपान, शराब का सेवन ना करने से भी हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कैसे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकें, तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि कुछ बीमारियों के अंदर काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूँ तो मेमोग्राफी जो टेस्ट है उसके जरिए हम कैंसर की गांठ को बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। आंत के कैंसर के लिए एंडोस्कोपी की जांच सही समय पे सही उम्र में अगर चालू करके हम इस कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको कैंसर डायग्नोज भी होता है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 से 20 साल में कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरक्की हुई है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जिसके ज़रिए हम कैंसर का इलाज करते हैं। इसमें जो पहला हम बोलें सर्जरी, जो कैंसर की सर्जरी है वो नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा एग्रेसिव होती है, मैं ये बोलूँगा। दूसरा, जो दवाइयों के तौर पे जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ना सिर्फ कीमोथेरेपी बल्कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ हैं जिसको लेके आपके कैंसर को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी ये कैंसर के इलाज में बहुत कारगर है। मान लीजिए अगर आपको कैंसर डायग्नोस होता है, डरे नहीं इससे, अपने स्पेशलिस्ट से मिले और जो ज़रूरी जांचें वो ज़रूर करवाएं, इससे डरे नहीं। मेन हमें इस, कई कई बार कैंसर जो हम देखते हैं, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, लेट डायग्नोस होता है, उसके पीछे लोग बाग वो टेस्ट ही नहीं कराते और डर के उस बीमारी को आगे बढ़ने देते हैं। तो जब भी आपको ये बीमारी डायग्नोस होती है तुरंत इसकी जाँच कराएँ और अप्रोप्रिएट इलाज कराएँ। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर से कुछ जुड़े हुए मिथ्स हैं जिनसे हमें बचना है। ऐसी आम धारणा है कि कैंसर की अगर हम जांच करेंगे, बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा शरीर में, ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से, इस धारणा की वजह से कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए इस धारणा को हम तोड़ें। इसके अलावा कैंसर का इलाज एक टेम्प्ररी, आपको उस समय पर दिक्कत हो सकती है जब ये इलाज चल रहा हो, पर आप लंबे समय में देखेंगे तो ये जो कैंसर के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हैं, जो ट्रीटमेंट से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो टेम्प्ररी होते हैं, ऐसे नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहें। आइए मिलकर कैंसर को हराएं। विश यू अ वेरी हैप्पी कैंसर डे। नमस्ते।